हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रद्धास फूड गैलरी। आज हम कंडेंस मिल्क बनाएंगे बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाता है। ये बहुत सस्ता भी पड़ता है मार्केट से। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि जो दूध है हमारा नीचे चिपके ना। ये मैंने 500 ml फुल फैट मिल्क लिया है, इसे मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए मैं बनाऊंगी। इस पर मलाई नहीं जमना चाहिए, नहीं तो ये स्मूथ नहीं बनेगा, इसलिए इसे कंटिन्यूसली चलाना है। ये कंडेंस मिल्क कई मिठाइयों में, बिस्किट्स में, आइसक्रीम में, केक्स में यूज़ होता है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसके लिए मैंने इसमें 100 ग्राम शुगर डाल दी है। ये 500 ml दूध में 100 ग्राम शुगर डालना है और इसे भी चलाते हुए बनाना है हमें। इसे कंटिन्यूस थोड़ा हमें चलाना है, बहुत ही जल्दी बन जाता है। मेरा बनने में सिर्फ 15 मिनट लगे थे। इसमें हम बाद में सोडा भी डालेंगे, इसलिए सोडा तैयार रखना है। ये देखिए, ये बन हाफ रह गया है, अभी इसे हम थोड़ा और रिड्यूस करेंगे। ये मिल्क थोड़ा आधे से थोड़ा कम हो जाए, इतनी ही कंसिस्टेंसी हमें रखना है। ये देखिए, ये हो गया है। अब इसमें हमें ये इसको चलाते हुए इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे। ये वही सोडा है जो हम घर में यूज़ करते हैं, खाने का सोडा जिसे बोलते हैं। ये 1/4 tablespoon डालेंगे, बस थोड़ा सा ही। इसके बाद में इसमें तुरंत ही बहुत झाग बनना चालू हो जाएंगे और ये दूध और भी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। अभी इस झाग को थोड़ा हम मैनेज करते हुए चलाते हुए और हम इसे गैस पर रहने देंगे। बस इसे हिलाते हुए ये जो झाग बन रहे हैं ये अपने आप ही नीचे बैठ जाएंगे। बस इसकी कंसिस्टेंसी चेक करते हुए हम इसे अब गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे पूरी तरह से। जब ठंडा हो जाएगा तब हम इसे एक एयरटाइट डब्बे में भर के फ्रिज में 1 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत सी मिठाइयों में और डेजर्ट्स में काम में आता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। ये देखिए, बहुत ही स्मूथ बना है और बहुत ही सस्ता 30 से 40 रुपये में ही हमारे घर पर तैयार हो जाता है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।